गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन, आज का हमारा ट्रेनिंग सेशन बेस्ड है योगा पे। योगा में आज हमें सिटिंग आसनास को परफॉर्म करना है। सिटिंग आसना में सबसे पहला आज का आसना है हमारा वज्रासना। वज्रासना को परफॉर्म करने के लिए हमें सबसे पहले सिटिंग पोजिशन में मैट पे आना है। देन आपको दोनों लेग को फॉरवर्ड की तरफ ओपन करना है स्ट्रेट पे। आफ्टर दिस बेंड योर लेफ्ट लेग फ्रॉम नी, नी से बेंड करना है। देन राइट लेग। नाउ आफ्टर दिस आपको बैक स्पाइन को स्ट्रेट रखना है। योर बैक स्पाइन शुड बी स्ट्रेट। नाउ बोथ हैंड पाम ऑन थाई एंड बॉडी शुड बी स्ट्रेट एंड लुक फॉरवर्ड एंड होल्ड दिस पोज एटलीस्ट फॉर 2 to 3 minutes। इस आसना को आफ्टर लंच, आफ्टर डिनर परफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि इस आसना को परफॉर्म करने से हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो वर्क एफिशिएंटली करता है और डाइजेशन ऑफ फूड बहुत इजीली होता है। इस आसना को परफॉर्म करने से हम अपनी स्टमक प्रॉब्लम्स को रिड्यूस कर सकते हैं, लाइक गैसेस प्रॉब्लम, लाइक आपका कब्ज की जैसे प्रॉब्लम होती है, कॉन्स्टिपेशन एक्सेट्रा। इस आसना को एटलीस्ट 5 to 10 minutes आफ्टर लंच और डिनर परफॉर्म करना चाहिए। नाउ आफ्टर 2 to 3 minutes प्लीज बैक टू योर रेस्ट पोजिशन, सुखासना पोज। नाउ सेकेंड आसना इज दैट इज योर शशांक आसना। शशांक आसना आपको परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले आपको दोनों लेग को फॉरवर्ड की तरफ ओपन करना है, सेम बेंड करना है आपको लेफ्ट लेग। नाउ आफ्टर दिस राइट लेग। नाउ दोनों लेग्स को ओपन करना है, नीज को ओपन करिए जितना पॉसिबल हो। आफ्टर दिस ब्रिंग योर हैंड शुड बी अप, एल्बो शुड बी स्ट्रेट। नाउ फॉरवर्ड की तरफ बेंड होना है और टच करना है फ्लोर को हेड से फोरहेड, टच करना है फ्लोर को और बॉडी को होल्ड करना है पोज में एटलीस्ट फॉर 30 seconds। आफ्टर 30 seconds बैक टू पोजिशन, बैक स्पाइन शुड बी अप, बोथ हैंड शुड बी अप, बैक टू पोजिशन। शशांक आसना आपको एटलीस्ट 2 to 3 times परफॉर्म करना है। शशांक आसना इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। इट ऑल्सो इंक्रीजेज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लोअर बॉडी एंड अपर बॉडी। ये हमारे बैक स्पाइन को भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, एज वेल एज इस आसना को करने से हम अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं। थैंक यू क्लास। जय हिंद बच्चों।